बनारस आईला, बनारस आके बनारसी पान न खैला, वाह वाह खैला। सही बात है, क्या खैला, हम भी सीख गए। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे जिंदगी में सबसे अनमोल चीज क्या होता है, दोस्तों के साथ एक अनप्लान ट्रिप। तो वही मेरे साथ आज हुआ, जो मेरे पटना के दोस्त बने, भाई बन गए, अब दोस्त क्या। तो उन्हीं के साथ आज अनप्लान ट्रिप हुआ है। प्लान हम सोए थे, अचानक से कॉल करते बोलते कि भाई बनाने जाना है, तो भाई इतना पवित्र जगह कौन जाने से मना कर सकता है। एक बार में हाँ बोल दिया, अभी कुछ देर बाद ट्रेन है, बस ट्रेन ने छूट जाए तो हम जल्दी से निकलते हैं और वहाँ जाके व्लॉग शुरू करते हैं। बस अचानक से कैसे प्लान बना लिए, बस जाने का मन था बनारस, बाबा की नगरी तो जाना। क्या बात बोल रही है, क्या बात बोल रही है। अरे बच्चा को भी ले जाए। हाँ। बच्चा सीख गया कैसे भाई, तुम अभी से ट्रैवल करो। हाँ। क्या बोले भाई बच्चा? तुम बच्चा है, मौसम अच्छा है, बस वो मौसम अच्छा, वो खैर बना लो, मौसम अच्छा मिल गया हम लोग को, वरना हम लोग को गर्मी की हालत खराब हो जाती है। देखो अचानक वाले प्लान ही यादगार रहता है। हम भी व्लॉग की शुरुआत इसीलिए की है, जिंदगी में दो चीज करना चाहिए, अनप्लान ट्रिप तो करना चाहिए। बर्दाश्त हुआ, एक्साइटेड ऐसे तो भाई जनरल बजा रहे ना, हमको अपना इतना क्यों सटा दे पीछे ना, हमको अपना अहमदाबाद से दिल्ली का सफर याद आ गया, लेकिन उसका तो बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट सही हो जाता है, लेकिन साफ भी है और थोड़ा ठीक भी लग रहा है। खड़ा होने का जगह मिल गया, मतलब खड़ा होने की जगह लगा। आप बताइए क्या सीन चल रहा है आपका, ठीक है अपना मुँह छुपाया होगा। वी हैव गाइस घुमक्कर, वो गेट वाला ढूंढ लेंगे, वहाँ मिला गया भाई, वहाँ पे गलत भीड़ हो रहा था। लीजिए भैया, जनरल बजाने का सही फायदा होता है, अच्छा लोग मिल ज़्यादा सब्सक्राइब कर देता है, सर्च करके दे दीजिए। सर स्टेशन पर तो ये भाई हम लोग का सब्सक्राइबर जो बन चुका था, बक्सर पहुँचने के बाद लोगों को बस लगेगा कि 3 घंटा लगेगा, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे बनारस। मुझे तो अभी पानी लेना है ना, ट्रेन में आया और समोसा नहीं खाए कैसे होगा, ट्रेन में आना समोसा खाना है बस। हाँ भैया समोसे वाला आ गया। हाँ भैया, हाँ सर आ गया समोसे, इसी में आज कैलाश चांद एकदम चुम्मेश्वर ही लग रहा है। अभी गाइस ट्रेन आधा घंटे के लिए मतलब रुकेगा, तो हम लोग मतलब एक स्टेशन पर रुके। कौन सा स्टेशन है बल्लाज भैया? अरे बल्लाज कौन सा स्टेशन है भाई, नहीं याद है, पीछे कुछ था भाई, पंडित दीनदयाल। हाँ तो हम लोग इससे रुके क्योंकि हम लोग ना यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और डायरेक्ट आधा घंटा में बनारस पहुँच जाएंगे, तो काफी सही रहेगा क्योंकि अब आधा घंटा ट्रेन में कहीं रुकेगा। इंडियन रेलवे वाला भाई एक बार पता 3 घंटा में प्लेटफॉर्म पे घर से जैसे स्टेशन में बहुत ही अजीब अजीब आवाज भी आ रहा है। गलत आवाज, गलत सीन, अलग ही सीन है। छोटा सा का जो स्टेशन है लेकिन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, काफी ज्यादा। भैया छोटा सा स्टेशन है लेकिन काफी सही लग रहा है। वो लेन हाँ बहुत सही लग रहा है, मतलब छोटा छोटा डिटेलिंग किया हुआ एकदम बारीकी। स्टेशन पर किसी और नोटिस किया, मतलब कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगा, किसी और नोटिस, काफी सही स्टेशन है, वहाँ पे सफाई हो रहा है। हाँ अब भाई जो स्टेशन से निकल के मेन शहर में एंटर कर रहे हैं, देखते हैं शहर कैसा है। छोटा सा जंक्शन है लेकिन काफी सही बनाया गया, मतलब यूपी में सब कुछ सही है, योगी का सरकार है इसीलिए। भाई वो जो है ना शौचालय है भाई, लेकिन तुमको क्या लगा था भाई? हमको लगा था रेस्टोरेंट वगैरह खोल रखा इतना सही है। यूपी काफी वाकई में काफी सही है, अभी तो और एक्सप्लोर करेंगे तो और सही सही चीज देखने को मिलेगा। बात तो सही है, बात तो सही है। इंडिया का लॉन्गेस्ट सभी आगे हाईवे है। वाओ कौन सा हाईवे, गेस करो एक बार कौन सा हाईवे, नाम पता है किसी को? एनी गेसेस? असम तक जाता है दिल्ली से। वाओ दिल्ली जाता है, मतलब यहाँ पर बाइक ट्रिप आराम से कर सकते हैं। ट्रंक रोड जीटी तो बोले हम भी, रेटी रोड हम क्या हम और बोले गाइस, बड़ा लोग सामने का ही फायदा होता है, हम लोग नया नया चीज जानना होता है। वो जो गाइस धुआं दिख रहा है ना, मतलब हल्का हल्का दिख रहा होगा, रात हो गया ना, तो वो है मणिकर्णिका घाट। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं क्या? जाने वाले कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सेक्सी नहीं लग रहा है? बहुत। अभी मतलब गाइस हम लोग मेन सिटी में पहुंच गए, जहाँ पर होटल वगैरह मिलता है, घूमने का भी काफी एरिया, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो दिखाते पहले। वो देखिए त्रिशूल, हर हर महादेव भाई, भाई हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो असली बनारस घूम के। हाँ ये हुआ ना बात, बनारस में आए और बनारस की गलियों में नहीं आए, तो फिर बनारस में क्या आए?
ये ना रील बनाता है मस्त है। बनारस का गाइस काफी अलग ही वाइब लग रहा है, एकदम लग रहा है मतलब शुद्ध है, शुद्ध सच एकदम स्टीफ है, इतना पतला है और फिर भी इसमें बाइक चल रहा है, बाइक चल रहा है और एक साथ दो तीन बाइक चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, मतलब बताओ इतना पतला गली होने के बाद भी। रात का 11 बजे इतना जाम है, रात का 11 बजे भी इतना जाम है, अभी सबसे ब्यूटीफुल व्यू दिखा रहे हैं, सबसे ब्यूटीफुल व्यू, सो ब्यूटीफुल। भैया भैया ये कौन सा मंदिर है? काशी विश्वनाथ। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब कैमरा जस्टिस तो नहीं करेगा लेकिन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है। मनीष भैया कहना है कि मतलब बहुत ज्यादा ही टेस्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ट्राई करते हैं। सही बोल रहे ना, एकदम मतलब ना प्योर है, प्योर कुछ भी मतलब मिलावा नहीं, एकदम बाहर तो मैं क्या होता था सब तो मिलाता ही हूँ, एकदम प्योर है, एकदम प्योर। बहुत ही ज़्यादा गाइस ब्यूटीफुल लग रहा है इस जगह को, बोले तो कैमरा उतना जस्टिस नहीं करेगा, आपको यहाँ तो आना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि जिस जगह का ब्यूटी क्या है, ये जगह को कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। दशमनेर घाट का रोड है ये, और हम कह रहे थे इस जगह को कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, इस जगह को आके ही देखना पड़ेगा, बहुत प्यारा है। फोटो रूम चेक करते हैं कैसा है, दूसरे एक रूम में घुस गए भाई, 4 घंटा तो रुकना है। और यहाँ पर मस्त व्यू के साथ हम लोग खा रहे हैं, खाएंगे यहाँ पर और मस्त हम व्यू देखेंगे। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खाना वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा, तुम जितना खाना मतलब वेस्ट करते हो किसी को मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा भाई, इतना खाना भाई वेस्ट नहीं करना है, हम खाए पूरा पूछ लीजिए, गलत बात है, मतलब जो लोग खाना वेस्ट करता है वो वेस्ट मत करो, किसी को दे दो। नहीं नहीं आज अभी इसको खिलाया गया जबरदस्ती, वो बात ये है कि जहाँ पे अभी इन्फर्नो बैठा हुआ था तो वहाँ बैठने का बहुत लोग का सपना होता है, ठीक है, बहुत लोग वो खाना खाने के लिए तरफ जाते हैं और अगर इसको मिल रहा है तो उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही है, बात बहुत सही बोला गया है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन ये समझेगा नहीं, तो ये नहीं समझेगा तो इसको समझाने के लिए हम है। हाँ गाइस बाकी अभी छोटा छोटा में तो हम सब थे ही, मतलब और कोई बड़ा मिल जाता समझाने के लिए तो फिर उसका सब अच्छा हो ही जाता है, इसीलिए समझो भाई। और रात को ही जाएगा भाई, अलग है, अलग है। बनारस अला, बनारस आके बनारसी पान न खैला, वाह वाह खैला, सही बात है, क्या खैला, हम भी सीख गए खैला ना, इस तरफ का लग रहा है दार्जिलिंग आ गया, दार्जिलिंग फेल हमको लगने लगा, सही बताया तो, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिटी ऊपर हो रहा है, मतलब बोलने पा रहे हैं सब खत्म हो चुका है, पॉजिटिव वाइब और स्पिरिचुअल जगह है ना भाई, एक बार आप लोग आइएगा तो भाई जो भी डिप्रेशन है जो भी कुछ भी है भाई, वो डिप्रेशन है भाई, खाना खाओ तुम रखे दबाए मैंने, लिख ना पाऊं फिर भी गाने कितने गाए मैंने, खड़ा मैं कलम पे जुबा से शब्द बहे पाते ऐसी